बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ महागठबंधन के स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, इस बार का कैंपेन, आप एकमात्र महागठबंधन के नेता हैं जो हर दिन 3 से 4 मीटिंग कर रहे हैं, क्या अंतर है? अब तो 4 से 5 हो गया, लगभग बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे अभी तो शुरू हुआ है कैंपेन, आगे भी जॉइंट रैली वगैरह होगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, लेकिन हम लोग मुद्दे की बात जो है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है, सबसे बड़ा। और देखिएगा, हम लोगों ने जो प्रण लिया है, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग 1 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देंगे, इसमें हम लोगों का कमिटमेंट है। तो हमको लगता है कि महंगाई, गरीबी और लोकल इश्यूज जो है वो ज्यादा इस बार हावी है, क्योंकि भाजपा के लोगों ने या जदयू के लोगों ने एक ही कैंडिडेट को बार बार रिपीट किया है, लोग ऊब चुके हैं। राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में उनके 15 सालों से उन्हीं के एमपी, सांसद, तो बहुत लोग परेशान हैं, कोई काम हुआ नहीं। आपको लेकिन लगता है कि इन सब मुद्दों पर वोटिंग होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पे होगा? नहीं, मुद्दे पे होगा। आपने जैसे बोला कि इस बार बिहार में लोकल इश्यूज जो है वो हावी है, गांव की बात होगी। जब तक गांव नहीं आगे बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश की आत्मा गांव में है और लोकतंत्र की आत्मा रीजनल पार्टी में है, क्षेत्रीय दलों में। क्षेत्रीय दलें जो है वो समझती है क्षेत्र के क्या इश्यूज है, लोकल क्या इश्यूज है, संविधान जानते हैं। मेरे ख्याल से इस बार क्षेत्रीय दलों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और हम सब लोग। आपने आपने बहुत सारे उम्मीदवार दिए हैं जो माई के नहीं है, ओबीसी के अन्य कम्युनिटी, कुशवाहा हो या बनिया हो, आपको लगता है ये गैम्बल पे करेगा? नहीं, देखिए, हम लोग सबको लेके चल रहे हैं और सबको साथ हम लोगों को लेके चलना चाहिए। और जहाँ भी हम लोगों को कोशिश है कि सभी कम्युनिटी की, प्रयास तो रहती है कि सभी कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन हम लोग दें, लेकिन गठबंधन में थोड़ा सारी सीटें जो है अपने घटक दलों को भी देना पड़ता है, लेकिन कोशिश रहती है कि हम लोग सबको दें। बीच में भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने काफ़ी नए नए लोगों को टिकट दिया था, कुछ नए समाज के। इस बार पूरे बिहार में किसी ने चौपाल समाज को टिकट नहीं दिया, हम लोगों ने दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जिसको आज तक मौका ना मिला है। लेकिन आपको लगता है राम मंदिर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हिंदुत्व, ये ज़्यादा भारी पड़ रहा है? देखिए, कुछ चला गया, राम मंदिर फ्लॉप, जो इश्यूज जो लेकर के चलना चाहते थे, राम मंदिर का जो माहौल बनाना चाहते थे, वो फ्लॉप हो गया, वो आइडिया फ्लॉप हो गया। क्योंकि लोग जो है, ठीक है, राम भगवान है, हम सब लोगों की आस्था है, लेकिन लोगों को सरकारों से बेरोजगारी खत्म करने की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म हो, सबको पक्का मकान मिले, किसानों का आय दुगुना हो, बिहार में पलायन रुके, कारखाना खोले, निवेश आए, ये माहौल होना चाहिए। लेकिन एनडीए का जो सामाजिक समीकरण है, खासकर नीतीश कुमार के जाने के बाद, आपको लगता नहीं कि वो भारी है महागठबंधन पे? कहीं ना कहीं नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हुई है, और 2020 में आपने देखा था वोट शेयर्स अगर देखें तो हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल थे, उस समय भी वही थे, वो 20 के चुनाव में भी वही थे। और हमको लगता है कि हमने काफ़ी गेन किया, 17 महीने में जो काम किया सबके लिए काफ़ी गेन। आपको बार बार चाचा कहते हैं कि हमने भगा दिया, आपको क्या कहना है? वो तो खुद ही छोड़ के गए हैं, भगाना क्या है, वो तो कभी बोल, 2 महीना पहले उसके बोलते थे मोदी जी को भगा दिए, इल्लू को भगा दिए, अब उनकी बातों में दम नहीं रह गए, बुजुर्ग। अगर चाचा वापस आते हैं लोकसभा चुनाव के बाद तो आप ओपन हैं? नहीं नहीं, देखिए, कोई सवाल नहीं पैदा होता, जनता आपको माफ नहीं करेगी, खास तौर पे सभी लोग अब नाराज हैं, अब क्रेडिबिलिटी भी नहीं है ना उनकी, अब ताकत रहेगी, भविष्य जो है वो भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल का ही है बिहार। आपको लगता है आने वाले दिनों में जेडीयू का भविष्य कुछ नहीं है? 2024 में खत्म हो जाएगा। लालू जी इस बार भी कैंपेन नहीं कर रहे, कितना कमी उनका खल रहा है? इस बार कितनी कमी खल रही है लालू जी की? नहीं, लालू जी है, रैली में सब लोगों को संबोधन किया ही था,
तो लालू जी ने अपना मैसेज दिया है और देते रहते हैं। पिछले बार का परिणाम और इस बार के परिणाम में क्या अंतर होगा? इस बार थोड़ा चौंकाने वाला जो है, चौंकाने वाला जो रिजल्ट है वो। इस बार आपने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ का जॉब, लेकिन साथ साथ प्राइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, लाभार्थी स्कीम है। मोदी जी तो बस कहते हैं कुछ करते कुछ और, उनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और हम लोगों ने जो किया है वो दिखाया है, आप हमारे 20 का मैनिफेस्टो देख लें, उसमें से कई चीज़ें हमारे 17 महीने में वो चीज़ें कराई गई हैं। उदाहरण के लिए मानदेय दुगुना करना, नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देना, 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने जो है टूरिज़्म पॉलिसी बनाया, हम लोग सब लोग जो है जाति आधारित गंदा कराया। हमने बोला था तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण बढ़ाई जाएगी, 75% आरक्षण किया गया, तो ये सारे काम हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो NDA का उम्मीदवारों का सूची है और जो महागठबंधन का उम्मीदवारों का सूची है, इसमें अंतर क्या है? देखिएगा, NDA में तो काफ़ी ज़्यादा जो खासतौर पर जदयू ने तो रिपीट ही किए हैं, और इस बार BJP में ऐसा लगा कि बहुत असहज उनके लिए रहा ये गठबंधन, और एडजस्टमेंट में वो अच्छे से जिस हिसाब से समीकरण देना था उन्होंने नहीं दिया, और एक तरफा जो है कई लोगों को खासतौर पे फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है, एक भी खुशवाहा कम्युनिटी को उन्होंने जो है नहीं दिया, 17 में से 10 फॉरवर्ड को दिया है। और ठीक है, अच्छी बात ही, सबका अपना है, देना चाहिए, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि सब लोगों को समाहित करें, लेकिन गठबंधन में थोड़ा मुश्किल होता है। आपके कई सारे रिबेल कैंडिडेट्स हैं और खासकर यादव जाति से, वैसे नहीं, कोई ऐसा नहीं। आप देखे होंगे ना 2020 में कोई रिबेल नहीं है, उधर से भी रिबेल है, ऐसे नहीं, हर चुनाव में हर पार्टी के लोग में नाराजगी होती है, जो लोग होता है खड़ा। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वो हमने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं क्या नीतीश जी की आवाज़ है, और पूरे भाजपा NDA के जो बिहार में, वो तो बहुत कम लोगों का डाला है उसमें, वगैरह लिस्ट बहुत बड़ी है। जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आएगा उसका असर क्या होगा बिहार की राजनीति पे? काफ़ी असर पड़ेगा, हम लोग जो हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, जो जो कमिटमेंट किए वो करेंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का खास तौर पर दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे।